जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। और अब हम आज अपना जो चैप्टर है हमारा, उसका ए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था टैक्स में ये जानना जरूरी है कि टैक्स लगेगा किसको। सेक्शन फोर जब हमने पढ़ा था उसमें चार पांच चीजें थी, वो डेफिनेशंस थी, वो मैंने आपसे शेयर भी कर ली थी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पर्सन कौन है। पर्सन मैंने आपको बताया था कि पर्सन की तीन कैटेगरीज हैं, या वो इंडिविजुअल होगा, या वो कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगी, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान में बनी हो या पाकिस्तान से बाहर बनी हो, जो भी ला रिलेट करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज टू थिंग्स दैट इज कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो वो चाहे पाकिस्तान है या पाकिस्तान से बाहर है, अगर किसी भी ऐसे लॉ के तहत बनी है जो इन दो चीजों को डील करता है, तो वो पर्सन की एक किस्म होगी, या वो कंपनी होगी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगी। और तीसरी कैटेगरी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सबडिविजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फिर इन कैटेगरीज को फर्दर डिफाइन किया गया। इंडिविजुअल को तो डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्योंकि इंडिविजुअल से मुराद इंडिविजुअल है, इसमें इवन मेल फीमेल की भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। तो कंपनी और एओपी को उन्होंने डिफाइन किया, कंपनी क्या है, एओपी क्या है। एओपी को उन्होंने कहा कि जी एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड एन बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर अ फॉरन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। फर्म को नीचे जाके उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पहले मैंने आपको बता दी, वो भी हमारे पिछले लेक्चर का हिस्सा है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बॉडी ऑफ पर्सन मैंने आपको बता दिया, जो इकट्ठे होके कोई भी कारोबार हो रहा है, बॉडी ऑफ पर्सन है, बाहर किसी मुल्क में पार्टनरशिप लॉ के तहत बनी है, वो यहाँ पे भी एओपी ट्रीट होगी। अच्छा, कंपनी जो है, कंपनी में मैंने आपको बताया था कंपनी एज डिफाइंड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस एंड बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्मड इन पाकिस्तान अंडर एनी लॉ मुदारबा एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज, यानी पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई लॉ है जिसके तहत अगर कोई बॉडी इनकॉर्पोरेट हुई है वो कंपनी हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, अदर सोसाइटीज, एनपीओस, ट्रस्ट। ट्रस्ट में फिर दो किस्म के आ जाते हैं, यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट क्या है, जैसे कंपनी में शेयर्स होते हैं, ऐसे यूनिट ट्रस्ट में बेनिफिशरीज को ये बताने के लिए कि आपका इस ट्रस्ट में कितने प्रॉफिट्स में, कितने कैपिटल में हिस्सा है, उनको एक यूनिट इशू करते हैं, जस्ट लाइक शेयर्स इन ए कंपनी। वो यूनिट इशू होते हैं, वो यूनिट जो हैं वो डिटरमिन करते हैं किसी भी बेनिफिशरी का, कि उसका प्रॉफिट का राइट कितना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी है, कैपिटल का राइट कितना है, तो वो चीज़ जो है यूनिट ट्रस्ट कहलाती है, ठीक है। फॉरेन एसोसिएशन इसमें शामिल हो गई। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट लिमिट जो ये कंपनी है उसकी डेफिनेशन में अगर आपको मैंने बताया था कि अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ये इसमें शामिल है कंपनी की डेफिनेशन में, और ये ऊपर थर्ड कैटेगरी जो थी गवर्नमेंट्स की उसके अंदर ये शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट शामिल हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है उसे कंपनी का हिस्सा बनाया हुआ। फिर उसमें स्मॉल कंपनी भी शामिल हो गई। फर्म, यूनिट ट्रस्ट मैंने आपको, ट्रस्ट मैंने आपको बता दिया, ट्रस्ट दो किस्म के होते हैं, पब्लिक ट्रस्ट होता है, प्राइवेट ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ तक हमें ये पता लग गया था ब्रॉडली कि पर्सन तीन किस्म के होंगे, या इंडिविजुअल होगा, या कंपनी और एओपी होगी, और या फिर क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट वगैरह होगी, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट होगी। अब हमने एक दफा डिटरमिन कर लिया कि एक बंदा पर्सन है तो कौन सा पर्सन है, उसकी कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, तो अब हम दूसरी चीज़ डिटरमिन करेंगे कि आया ये पर्सन हमारे लॉ के मुताबिक रेजिडेंट पर्सन है या नहीं है, ठीक है। सेक्शन 81 जो है डिवीजन 2, वो रेजिडेंशियल स्टेटस को डील करता है। वो कहता है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन है। ए रेजिडेंट पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द ईयर।
एक जो पर्सन है वो कब एक जो है रेजिडेंट कंसीडर होगा, कि जिस जब वो टैक्स ईयर में रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट कंपनी हो या रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो। अब वो कब रेजिडेंट पर्सन इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी या रेजिडेंट एओपी कब होगी, ये हम नीचे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे जो है वो पॉइंट्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट हुआ, कब रेजिडेंट नहीं है, कब उसकी रेजिडेंसी ख़त्म हो गई, कब रेजिडेंशियल स्टेटस उसका रेजिडेंट का हो गया, ये हम सारा अभी पढ़ेंगे। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट वो रेजिडेंट ही है। ए पर्सन शैल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन फॉर दैट ईयर। मतलब ये इसे हम कहते हैं इंक्लूजन ऑफ वन थिंग इज एक्सक्लूजन ऑफ ऑल। ये एक लैटिन मैक्सिम है, ये एक कानूनी मैक्सिम है, या कहावत कह लें, या वो उसे उर्फुलाम कह लें, जो भी कह लें। वो ये कहता है कि अगर एक चीज इंक्लूड कर दी गई, दूसरी खुद ब खुद एक्सक्लूड हो जाएंगी। इसी चीज को इसने यहाँ कहा है कि अगर एक शख्स रेजिडेंट पर्सन नहीं है एक टैक्स ईयर में, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। देयर कैन नॉट बी अ थर्ड पोजिशन। ठीक है, मतलब या वो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। अगर आपने ये डिटरमिन कर लिया कि वो रेजिडेंट नहीं है, तो फिर वो डेफिनेटली नॉन रेजिडेंट होगा। इज इट क्लियर? हाँ भाई। यस सर। ओके फाइन। सो यहां तक हमें ये पता चल गया कि कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है, एओपी भी रेजिडेंट हो सकती है, इंडिविजुअल भी रेजिडेंट हो सकता है, और फेडरल गवर्नमेंट भी रेजिडेंट हो सकती है। ठीक हो गया, पहले था पर्सन, अब हम बात करें रेजिडेंट पर्सन की, तो ये रेजिडेंट पर्सन हो सकते हैं। फिर उसने कहा कि अगर एक दफा आपने ये डिटरमिन कर लिया कि एक पर्सन एक टैक्स ईयर के लिए रेजिडेंट नहीं है, तो वो डेफिनेटली नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक हो गया, अब हम बारी बारी इन तीन कैटेगरीज को, इंडिविजुअल को, एओपी को, कंपनी को, और गवर्नमेंट तो है ही है रेजिडेंट, तो आगे देखेंगे कि किस तरह इनके रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमिन किया जाता। सबसे पहले सेक्शन 82 बताता है कि किस तरह हम इसको रेजिडेंट इंडिविजुअल को रेजिडेंट ट्रीट करेंगे। वो कहता है कि एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल नंबर ए इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर वो एक टैक्स ईयर में पाकिस्तान में 183 दिन से ज्यादा, 183 दिन या उससे ज्यादा पाकिस्तान में रहा हो, तो वो क्या होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। ठीक है, सो पहली कंडीशन ये आप अपने पास नोट कर लें। सबसे पहले आप लिखें कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह मालूम होगा। नंबर एक, स्टे इन पाकिस्तान, चाहे वो डिफरेंट पीरियड्स में हो या एक ही दफा हो, इन एग्रीगेट 183 दिन या उससे ज्यादा, 183 डेज और मोर, अगर वो पाकिस्तान में रहा है तो वो क्या होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल। सर अप्रोक्सीमेटली ये 6 months बन गया ना? हाँ जी, 180 डेज जो है ना वो 6 months होते हैं। ठीक है, 180 डेज, पहले ये फड्डा चलता था, तो वो अब जो है ये फड्डा खत्म हो गया। उन्होंने पहले ये 180 दिन था, तो वो यही फड्डा पड़ा रहता था, 180 दिन हुए नहीं हुए, हुए नहीं हुए, तो उन्होंने एक ही दफा काम खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी 6 महीने नहीं है, ये 183 दिन। ठीक है, और मोर, राइट सर। अच्छा, अब ये हम निकालेंगे कैसे? लाजमी बात है, उस बंदे के पाकिस्तान में स्टे का सबूत उसका पासपोर्ट होगा, उस पर एंट्री भी लगी होगी, एग्जिट्स भी लगे होंगे, तो वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके वीजा से कैलकुलेट कर लेंगे उसके स्टे को, कि वो 183 दिन है या नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक बार, हाँ जी बोलिए।
मैं जी सर ठीक है। अच्छा अब एक शख्स जो है वो 183 दिन पाकिस्तान में नहीं रहा, ठीक है, तो क्या फिर भी वो इंडिविजुअल जो है वो बन सकता है किसी तरीके से रेजिडेंट? यस। उसका दूसरा वाला पार्ट अब ए भी जो है वो आप पढ़े, इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 120 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर पहली मीट नहीं हुई तो फिर हम देखेंगे दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो एक टैक्स ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा इन सिंगल स्टे और इन एग्रीगेट, अगर एक से ज्यादा स्टे हैं तो कितने दिन, 120 दिन या उससे ज्यादा पाकिस्तान में रहा हो एंड इन द फोर ईयर्स प्रीसीडिंग द टैक्स ईयर, और जिस टैक्स ईयर में 120 दिन कैलकुलेट किए हैं उससे पिछले चार सालों में ही हैज बीन इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 365 डेज और मोर। और पिछले चार सालों में, यानी जिस साल हम जिस टैक्स ईयर में हमने 120 दिन कैलकुलेट किए हैं उससे पिछले चार जो है टैक्स ईयर्स में अगर उसका स्टे इन एग्रीगेट या सिंगली 365 दिन या उससे ज्यादा है तो फिर भी वो रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। सो हमने दो तरीकों से उससे पहले व्यू करना है कि पहले तो हमने सीधा सीधा देखना है क्या इसके 183 दिन हो गए, अगर हो गए तो रेजिडेंट है, नहीं हुए तो सेकंड कंडीशन पे आ जाना है कि उस साल में 120 दिन स्टे है, और अगर 120 दिन स्टे है तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पिछले चार सालों में 365 है कि नहीं है। अगर 120 दिन नहीं है तो फिर वो रेजिडेंट नहीं बन सकता, और अगर 120 दिन है तो फिर हम 365 को भी देखेंगे, ठीक हो गया। तो ये हो गए दो। इज एन एम्प्लॉय, तीसरी चीज, इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर, यानी ये जो हमारे लोग बाहर पोस्ट करती है गवर्नमेंट कॉन्सुलेट्स में इधर उधर, तो वो पाकिस्तान के रेजिडेंट ही ट्रीट होंगे, ठीक है। तो तीन तरीके से हम किसी भी शख्स की जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस को जान सकते हैं इंडिविजुअल की। पहला क्या है, 183 दिन उसे पाकिस्तान में या उससे ज्यादा इन एग्रीगेट और सिंगली होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन पे आ जाएंगे, वो क्या है कि एक टैक्स ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा होने चाहिए। अगर वो हैं तो फिर ये देखना है कि पिछले चार साल उस टैक्स ईयर से, जो पिछले चार साल हैं उसमें एग्रीगेट स्टे उसका 365 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर वो भी है, ये दोनों कंडीशंस मीट करती हैं, तो वो फिर इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन मीट नहीं करती तो वो फिर नहीं बनेगा, ठीक हो गया। तीसरी चीज क्या है कि अगर पाकिस्तान ने जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने अपने एम्प्लॉयज को बाहर पोस्ट किया हो तो वो भी रेजिडेंट ट्रीट होंगे। ये तो हो गए इंडिविजुअल। यहां तक अगर किसी को कोई चीज समझ ना लगी हो तो वो पूछ सकता है। जी ठीक है सर, ठीक हो गया। सादी सी चीज है ये, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मोटरवे पे जा रहे होते तो लिखा होता है फैसलाबाद 180 किलोमीटर, तो भाई इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। 183 दिन गिनने हैं, 183 दिन गिनने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आपने इंडिविजुअल को डिटरमिन करने के लिए तीन टेस्ट हैं। तीन टेस्ट क्या है, पहली चीज ये 183 दिन या उससे ज्यादा पाकिस्तान में होना चाहिए एक टैक्स ईयर में। अगर ये टेस्ट फेल हो जाए तो दूसरा टेस्ट लगाएंगे। दूसरा टेस्ट क्या है कि उसको 120 दिन एक टैक्स ईयर में होने चाहिए। अगर 120 दिन हो गए हैं तो फिर आपने देखना है कि उस टैक्स ईयर से पिछले चार टैक्स ईयर में 365 दिन हुए हैं कि नहीं। अगर वो भी हो गए हैं तो फिर वो इंडिविजुअल जो है रेजिडेंट बन जाएगा। अगर वो नहीं हुए, दोनों में से कोई एक कंडीशन मीट नहीं करता वो, यानी ना 120 दिन, अगर 120 दिन की पूरी कर ले 365 की नहीं करता, या 365 की करता 120 की नहीं करता, तब भी वो इंडिविजुअल रेजिडेंट नहीं बनेगा जब तक कि ये दोनों कंडीशन सिमल्टेनियसली पूरी नहीं होती। सो पहली कंडीशन है 183 दिन की, दूसरी कंडीशन में फर्दर दो कंडीशन हैं जिनको सिमल्टेनियसली मीट होना है। अगर वो मीट हो जाती हैं तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। तीसरी चीज ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो बाहर अब्रॉड, यानी अब्रॉड पोस्टेड हैं, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल ही ट्रीट होंगे। अब आ जाइए कंपनी।
ए कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर द टैक्स ईयर फॉर अ टैक्स ईयर इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान. अब कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करने के लिए सबसे पहले तो जो कंपनी पाकिस्तान में बनी है वो सीधी सीधी रेजिडेंट होगी, ठीक है, पाकिस्तानी कंपनी रेजिडेंट होगी. दूसरी चीज क्या है, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर. या कोई भी ऐसी कंपनी जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसी भी टाइम एक साल के अंदर होली पाकिस्तान में हो, ठीक है, होली का मतलब कंप्लीटली पाकिस्तान में हो. मतलब एक कंपनी अमेरिका में हमने बनाई लेकिन उसका सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सब यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो फिर हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, रेजिडेंट कंपनी ट्रीट करेंगे, ठीक है. या एक कंपनी आके जो है वो काम कर रही है यहाँ पे, ब्रांच खोलती है, तो चलें ब्रांच वाला अभी बाद में हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करें, फिर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे. तो कंपनी जो है वो अगर उसका कंट्रोल किसी भी टाइम पाकिस्तान में रहा है, कंपनी जिधर मर्जी है वो पाकिस्तान की रेजिडेंट कंपनी ट्रीट होगी. तीसरी चीज, इट इज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान. आपने ऊपर पढ़ा था रेजिडेंट, जब जो हम पढ़ रहे थे कि वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वैसे ही रेजिडेंट ट्रीट होती है, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल में, सॉरी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन में ये, ठीक है. प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमने कंपनी के अंदर डाला हुआ था, डेफिनेशन में भी आपने देखा था प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसमें थी, तो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट जो है वो रेजिडेंट कंपनी ही ट्रीट होंगी. इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई टेस्ट भी नहीं है, बस जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट डिटरमिन हो गई है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, तो वो क्या ट्रीट होगी, रेजिडेंट कंपनी के तौर पर ट्रीट होगी. यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो. हाँ भाई. नो सर. ओके फाइन. सो रेजिडेंट कंपनी का भी पता लग गया हमें कि या तो वो पाकिस्तानी लॉ के तहत बनी हो, पाकिस्तानी कंपनी हो, या उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट साल के किसी भी हिस्से में होली इन पाकिस्तान हो. होली इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. टेस्ट ये है कि होली इन पाकिस्तान होना चाहिए, अगर पार्शली है, मटीरियली है, तब भी वो रेजिडेंट नहीं बनेगी, ठीक है, होली होना चाहिए. अच्छा, अब रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन यहाँ पे आ गए. अब एओपी जो है या फर्म जिसे हम कहते हैं या पार्टनरशिप जिसे हम कहते हैं, वो कब उसे हम यहाँ टैक्स लॉ में उसे हम एओपी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान. यानी एओपी का तो होली और पार्टली, होली होगा तब तो वो डेफिनेटली है ही है, पार्टली भी है इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ टैक्स इन अ ईयर, तो वो क्या होगी, क्या होगी भाई वो, आवाज नहीं आ रही मुझे. तुम भी जवान हो, क्या कहलाएगी वो, सो रेजिडेंट. हाँ जी, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है. सो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने का मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया, कि रेजिडेंट इंडिविजुअल कब रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा. फिर मैंने आपको बताया रेजिडेंट कंपनी, एक कंपनी कब रेजिडेंट कंपनी ट्रीट होगी, और फिर मैंने आपको बताया कि रेजिडेंट एओपी कब रेजिडेंट एओपी ट्रीट होगी, या एओपी कब रेजिडेंट एओपी ट्रीट होगी मोर प्रिसाइज. सो यहां तक आपको बात समझ लगी. Yes, sir. ठीक है, हमने सेक्शन 80 से शुरू किया था,
पर्सन से और 84 तक हमने पढ़ा है, इसके ऊपर मैं आपका कोई भी टेस्ट ले सकता हूं, मैं आपको असाइनमेंट दे सकता हूं, ठीक है। सेल्स टैक्स का क्वेश्चन भी मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे सकता हूं, ठीक हो गया। आपके असाइनमेंट के 10 मार्क्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, अपने पोजीशन खराब मत कर लेना, ठीक है। सो माय डियर, हम बात ये कर रहे थे कि ये आपको याद है ना, हमने कहा था कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पर्सन कौन है, फिर हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जब मालूम करेंगे, और हम मालूम करेंगे कि वो या इंडिविजुअल है, कंपनी एओपी है। अब ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये जिसको मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, यहां तक हम पढ़ चुके। पढ़ चुके भाई? यस सर। हमने पढ़ लिया कि एक पर्सन कौन है, इंडिविजुअल है, कंपनी या एओपी है, गवर्नमेंट्स में से कोई है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो एनी वन हु इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन विल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, ठीक है। जो बंदा रेजिडेंट नहीं है वो डेफिनेटली नॉन रेजिडेंट होगा। मैंने आपको बताया टैक्स में रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल पर्सन होता है, इसमें जो है वो सिटीजन, नॉन सिटीजन, मेल, फीमेल, इस किस्म की कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, राइट? जी सर। मोमिना, मोमिना बोली है महा में कौन? मोमिना जी। हाँ मोमिना, ये अब मुझे ये बताएं आप लोग, आजकल मुझे अफरीदी की आवाज ही नहीं आती यार, अफरीदी कहाँ? जी सर। अफरीदी, आपने अपना नाम अफरीदी रख लिया क्या? नहीं नहीं, वो मैंने मोमिना भी बोला था। अफरीदी कहाँ है भाई आज? अफरीदी आजकल बीमार है। क्या हुआ उसे? सर पता नहीं, कह रहा बस बीमार है। खाना ज्यादा खा लिया उसने। सर ये नहीं बताया, बस वो यही कहता मैं बीमार हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अब भाई बच्चों, बात ये है कि हमने एक चीज डिटरमिन कर ली कि एक सबसे पहले हमने एक बंदे की कैटेगरी पकड़नी है कि वो कौन है, वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, एओपी है, गवर्नमेंट है, क्या है। जब हम ये पकड़ लेंगे तो फिर हम उसके बाद उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करेंगे कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। जब हम ये चीज डिटरमिन कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम टैक्स ईयर को, हमें पता होना चाहिए कि किस टैक्स ईयर के लिए हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्सेबल इनकम क्या है। फिर हमें पता होना चाहिए कि इस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा रिजीम लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है। So, आज हमने जो पढ़ा वो ये था कि रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह डिटरमिन, ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि आपका ये जो टैक्स ईयर है ये कैसे पता करना, ठीक है, और इसके बाद आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा डेफिनेशन में आए हम, और डेफिनेशन में आने के बाद हमने टैक्स ईयर को ढूंढना है, एस एम आर एस टी टी। हाँ भाई कहीं नजर आ रहा है टैक्स ईयर? तो जवानों सर 68 में। वेरी गुड वेरी गुड, 68 में। वो कहता है टैक्स ईयर मींस द टैक्स ईयर एज डिफाइंड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 74 and in relation to a person includes a special year, a transitional year,
that the person is permitted to use under section 74. ठीक है, सो इसने बताया कि टैक्स ईयर जो है वो है जो सेक्शन 74 सब वन में डिफाइन हुआ हुआ है, उसके अलावा स्पेशल ईयर और ट्रांजिशनल ईयर. सो ये तीन चीजें हैं. कौन कौन सी? जो सेक्शन 74 वन में डिफाइन हुआ हुआ है इसे हम कहते हैं नॉर्मल ईयर. क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर. हाँ, ये लिखा हुआ है ना साइड पे मैंने, नॉर्मल ईयर, स्पेशल ईयर और ट्रांजिशनल ईयर, तीन आ रहे हैं. क्यों भाई, नजर आ रहे हैं ये तीन? जी सर. हाँ, वेरी गुड. सो ये तीन है. अच्छा, अब हम चलते हैं सेक्शन 74 में, और ये बहुत आसान है डिटरमिन करना. मैं आपको सिर्फ अभी ये 74 टैक्स ईयर, सेक्शन 74 में आए हम टैक्स ईयर में. अच्छा, ये है क्या जनाब? ये पहले मैं आपको दिखा दूं ये कौन सा पार्ट है. ये है चैप्टर 4 कॉमन रूल्स पार्ट 2, और इसमें ये सेक्शन 74. क्या है जनाब? फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस and subject to this section, the tax year shall be a period of 12 months ending on 30th day of June, herein after referred to as the normal tax year, and shall, subject to the subsection 3, be denoted by a calendar year in which the said date falls. उन्होंने कहा कि जी 12 महीने का पीरियड होना चाहिए जो 30th जून पे खत्म हो, और वो 30th जून जिस कैलेंडर ईयर में खत्म हो रहा है वही टैक्स ईयर होगा काल करने के लिए. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे आते हैं हम. अब फर्ज कीजिए उसने कहा कि 12 महीने होने चाहिए. कितने होने चाहिए? 12 महीने. 12 महीने. ठीक हो गया. अब वो खत्म कब होने चाहिए? थर्टीएथ जून को. ठीक है. और फॉल कौन सी होनी चाहिए? कैलेंडर ईयर में. ठीक हो गया. यही कहा ना उसने, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा. अब फर्ज कीजिए जब वो कह रहा है 30th जून को खत्म होना चाहिए, तो जो चीज 30th जून को खत्म हो रही है उसे शुरू कब से होना चाहिए? 1st जुलाई. वेरी गुड. कौन बोला भैया? सर रामीन. हाँ, वेरी गुड रामीन. तो 1st जुलाई से शुरू होना चाहिए. सो लेट स्टार्ट जुलाई 1. अगर हम फर्ज कीजिए 2019 जुलाई 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, हो गया. इसको एंड कब होना चाहिए? 30th जून 2020. ठीक हो गया. सेम फॉर्मेट रखते हैं इसको, 6 और 3. ठीक हो गया. अब अगर हम इसमें से ये निकाल दें, 20 होगा. यस सर, 20. ठीक है, वरना वो एक मंथ ही बताएगा. ठीक, आगे कितने दिन है? 365, 1 year. तो ये 1 year है, means 12 periods. हो गए 12 months? जी. अच्छा, ये जो 30th June 2020 है,
ये किस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है? 2020 कैलेंडर ईयर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1/1/2020 एंड एंड्स ऑन 12/31/2020 ठीक है, ऐसे ही है जी सर। तो अब हम इसे कहेंगे जिस टैक्स ईयर में ये फॉल कर रहा है वो है 2020 तो इसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 2020 क्लियर। ये कोई मुश्किल काम था? नो। गुड। अब ये है, इसे हम कहते हैं ये है नॉर्मल टैक्स ईयर। ये क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? बाज दफा ऐसे होता है कि आपका बिजनेस जो है वो इसके, हाँ उसके लिए कोई ईयर स्पेसिफाई होता है। जैसे कि पहले टेक्सटाइल के लिए 30 सितंबर था, या बैंक्स के लिए कैलेंडर ईयर है। तो बैंक्स जो है वो कैलेंडर ईयर को अपना टैक्स ईयर के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। अब बैंकों का फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, बैंकों का जो 12 मंथ्स पीरियड है, मेजर बैंक्स की बात हो रही है, कईयों का नहीं भी है, ये स्टार्ट होता है 1/1 से हम 2020 की बात कर लेते हैं, एंड 12/31/2020 ठीक है। सो ये 12 मंथ हो गए पूरे, ठीक हो गया। ये भी 365 दिन है। अब वो होता क्या है कि ये जो कैलेंडर ईयर जब ये करते क्या है, अब आपको पता होगा कि रेगुलेटर किसी भी सूरत में दो हैं। जैसे कंपनी की सूरत में एक रेगुलेटर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और एक रेगुलेटर है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो है कौन सा? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। सो अब ये क्या करते हैं कि ये जाते हैं SECP के पास, क्योंकि अकाउंट्स वगैरह तो सारे उसने ऑथराइज करने हैं, हर चीज उसने चेक करनी है। तो ये उसे कहते हैं कि जी हमें जो है हमारे लिए फिजिबल है कि हमारा जो टैक्स ईयर है वो आप स्पेशल टैक्स ईयर हमें अलाउ कर दें। जब वो अलाउ कर देता है तो उनका दिया हुआ ऑर्डर लेके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि जी हमें ये अलाउ हो गया तो आप भी हमें जो है स्पेशल ईयर अलाउ कर, ठीक है। अब वो जो स्पेशल ईयर अलाउ होता है उसके बारे में उन्होंने कहा कि सेक्शन जब 74 में हम नीचे जाते हैं, वेयर अ पर्सन्स इनकम ईयर अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, और वेयर द पर्सन इज अलाउड बाय एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3 टू यूज अ 12 मंथ्स पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, सच इनकम ईयर और सच पीरियड शैल बी द पर्सन्स टैक्स ईयर here in after refer to as special tax year and shall be subject to the subsection 3 be denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of special year falls, theek hai, kya keh raha hai, it will be denoted by the calendar year relevant to normal tax year in which the special tax year and date of special tax year falls. Now, for example, यहाँ पे special tax year की end date कहाँ fall कर रही है? December में. तो December 2020 जो है, उसके बारे में वो ये कह रहा है कि be denoted by the calendar year.
relevant to normal tax year in which, अब normal tax year इसमें कौन सा होगा? अगर normal tax year होता तो ये किस normal tax year में fall करती? अगर normal tax year होता तो 31/12 जो है ये 2021 में fall करती, क्योंकि अगर normal tax year होता, अगर नॉर्मल टैक्स ईयर होता तो ये 7/1/2020 से शुरू होता और कब तक जाता? 21. हाँ जी, ये जाता 6/30/2021. तो उसने कहा कि जिस नॉर्मल ईयर में, उस कैलेंडर ईयर को हम डिनोट करेंगे जिस नॉर्मल ईयर में इसकी एंडिंग डेट आती है, तो इसकी एंडिंग डेट यानी ये वाली जो डेट है 31/12/2020 वो इस पीरियड के दरमियान पड़ रही है ना? जी जी सर. तो इस पीरियड में ये जो 30/6/2021 है, इसका कैलेंडर ईयर कौन सा होगा? 21 1st Jan. हाँ ठीक है, कैलेंडर ईयर रेलिवेंट कौन सा होगा? 2021. तो इसका टैक्स ईयर क्या हुआ?